हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री अव्य ऑफ सक्सेस। और ये हमारा बायोलॉजी क्लास 12th का इन हिंदी में चैप्टर नंबर 4 है। जी हाँ, हमने चैप्टर नंबर 1 पर वीडियो बना ही दिए हैं और ये हमारा चैप्टर नंबर 4 का सेकेंड है हमारा लेक्चर। और सभी लेक्चर आपको हमारे प्ले लिस्ट में मिलेंगे, जाके देखिए और उनसे समझने की कोशिश कीजिए। बाकी अब इसके वेबसाइट पर काम चल रहा है, जैसी वेबसाइट बन जाएगा आपके लिए वहाँ पर ये सभी जो इसका है आपको पिक अपलोड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें हमारा जनन स्वास्थ्य का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु किए गए सरकारी प्रयास क्या क्या हैं, जैसे कि आ जाएगा आपके एग्जाम में, क्योंकि ये हमारे एनसीईआरटी से रिलेटेड है। कहीं बाहर नहीं पढ़ा रहे, सभी एनसीईआरटी का है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप इसको जरूर कवर करने की कोशिश कीजिएगा। अगर इसको कवर कर लेंगे तो आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, तो जनन स्वास्थ्य का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए किए गए सरकारी प्रयास निम्नलिखित हैं। पहला तो परिवार नियोजन जो कार्यक्रम चलाते हैं, मतलब इसका ये है कि जनन स्वास्थ्य एक्चुअली में है क्या। तो आपको मैंने कल जनन स्वास्थ्य के बारे में बताया था क्या होता है। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार जनन के सभी पहलुओं जैसे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, व्यवहारगत व सामाजिक आदि की पूर्ण सकुशलता की स्थिति ही जनन स्वास्थ्य कहलाती है। तो उसको नियंत्रण करने के लिए क्या क्या होने चाहिए उपाय, उसको हम लोग जानेंगे। पहला है परिवार नियोजन कार्यक्रम, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चलाई थी हमारी भारत सरकार। तो भारत में परिवार नियोजन का प्रारंभ सन 1951 में हुआ था। जनन स्वास्थ्य के लक्ष्यों की प्राप्ति करने हेतु यह सर्वप्रथम व सबसे बड़ा प्रयास था। भारत में परिवार नियोजन का जो प्रयास था प्रारंभ, इसका जो प्रारंभ हुआ था सन 1951 में हुआ था। और जनन स्वास्थ्य के लक्ष्यों को प्राप्ति हेतु यह सर्वप्रथम सबसे पहले और सबसे बड़ा प्रयास हमारे सरकार का रहा है। परिवार नियोजन एकमात्र उद्देश्य जनसंख्या पर नियंत्रण था। जो परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया गया था, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चलाया गया था, इसका केवल यह था कि जनसंख्या पर नियंत्रण लाया जाए। जो जनसंख्या विस्फोट है, इसके बारे में बताएंगे आगे, इस पर नियंत्रण पाया जाए, लाया जाए। ठीक है, सन 1977 से सन 1978 के पश्चात परिवार नियोजन का नाम बदलकर परिवार कल्याण कार्यक्रम रख दिया गया। शुरुआती दिनों में क्या था, 1951 में चालू हुआ था तब इसका जो नाम था परिवार नियोजन था। लेकिन फिर इसके बाद सन 1977 से 1978 के पश्चात क्या हुआ कि परिवार नियोजन का नाम बदलकर परिवार कल्याण कार्यक्रम रख दिया गया। ठीक है, और पहला तो ये रहा। दूसरे हमारे क्या रहा कि फिर हमारे बहुत सारे कार्यक्रम आए, जैसे कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति आई, व्यापक प्रतिरक्षीकरण यानी टीकाकरण कार्यक्रम आए, व्यापक ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आए और जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम भी चलाए गए थे। परिवार नियोजन कार्यक्रम के साथ साथ ये कुछ और हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रणनीतियाँ थी, जिसके द्वारा क्या हुआ कि जनन स्वास्थ्य के सभी पहलुओं पर जो भी थे, जनन स्वास्थ्य पर लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सब सरकारी कदम उठाए गए थे। पहला परिवार नियोजन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। और फिर आप इसको भी लिख सकते हैं कि इसके अंतर्गत ये भी हमारे कुछ न कुछ कदम उठाए गए थे। ठीक है ना, अगला हमारा है मेरे प्यारे बच्चों कि जनन एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम के लक्ष्य। जनन एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम के लक्ष्य यानी कि एम्स ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, यानी कि इसको अगर शॉर्ट में बोले तो RCH भी बोला जाता है। RCH का पूरा नाम क्या है, तो इसका आप लोग बता देना है, एम्स ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम RCH का पूरा नाम है ना। अगर RCH को देखें तो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, इतना ही RCH। इसमें हमारा क्या था कि जन स्वास्थ्य एवं बाल संबंधित देखभाल के कार्यक्रम के लक्ष्य जैसे क्या क्या थे। पहला ये लक्ष्य था कि शिशु व माँ के स्वास्थ्य का देखभाल करना, पहला हमारे ये उन्होंने लक्ष्य किए थे कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, शिशु व जो माँ के रहेंगे, जो जन्म होगा बच्चे और उसकी मम्मी की देखभाल करना। बी हमारा क्या था, शिशु मृत्यु दर IMR व मातृ मृत्यु दर MMR में कमी। अगर देखना सी हमारा क्या था, जनसंख्या नियंत्रण और स्थिरता। अंतिम लक्ष्य हमारा यही था कि जनसंख्या पर नियंत्रण लाया जाए
और स्थिरता बनी रहे। दूसरा हमारा था जो शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर ज़्यादा हो रही है इसको कम किया जाए, वहाँ पे उनकी जो मौतों की संख्या में जो बढ़ोतरी हो रही है उनकी मौतों की जनसंख्या में कमी ला जाए कि कैसे कम किया जाए कि इनकी जो मौतें हों बहुत ही कम हों, यही सब थे। फिर हमारा क्या आया, फिर हमारे ये आया कि जनन एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम की रणनीतियाँ, ऐसी कौन कौन रणनीतियाँ बनी जिसके द्वारा जनन एवं बाल जो स्वास्थ्य का देखभाल अच्छी तरीके से कार्यक्रम को किया जा सके, उसके ऊपर बहुत सारी रणनीतियाँ बनी थी। पहली हमारी ये थी कि अनेक सरकारी व गैर सरकारी संगठन मुद्रित प्रचार सामग्री जैसे कि पंपलेट, समाचार पत्र में विज्ञापन व श्रय दृश्य यानी कि ऑटो विजुअल एंड माध्यमों के द्वारा जन स्वास्थ्य संबंधित जागरूकता पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो बहुत सारे हमारे सरकार ने रणनीतियाँ बनाई है जन स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए कि जनन को स्वस्थ रखा जाए, बाल जो बच्चे हैं उनकी मौत ना हो, मातृ की मौत ना हो जो कि जन्म देने बच्चों को जो, तो उनके लिए उनकी मृत्यु दर को कम करने के लिए उनको जागृत करना, जागरूकता करना कि आप लोग दवा कराइए, अच्छे से अपनी देखभाल कराइए, जैसे कि अनेक सरकारी व गैर सरकारी मुद्रित प्रचार किए हैं। आप लोग देखते होंगे टेलीविज़न पे आता है, डीडी नेशनल मेरा राष्ट्रीय चैनल है उस पर भी आता है, साथ ही साथ कोई अन्य अगर आप उठाएंगे प्राइवेट सेक्टर में तो उस पर भी आते रहते हैं, देखते हैं भारत सरकार के द्वारा जनहित में जारी, तो वहाँ पर जैसे कि इस समय गंभीर बीमारी चल रही है COVID-19 की, तो इस पर भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं सरकार इसको लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना हर एक संभव कदम उठा रही है। ओके, यहाँ पर हमारा भी है पाठ्यक्रमों में प्रजनन तंत्र की संरचना कार्य व जनन स्वास्थ्य शिक्षा को शामिल करना। फिर हमारा क्या हो जो पढ़ाई आप करते हैं, देखिए बायोलॉजी क्यों रखी जा रही है, आपने कभी सोचा है कि बायोलॉजी, तो बायोलॉजी इसलिए रखी गई है ताकि आप इसके प्रति जागरूक हो पाए। रिप्रोडक्शन क्यों पढ़ाया गया आपको, जनन क्यों पढ़ाया गया, आखिरकार क्यों बनाया पता जा रहा है कि मादा जनन अंग क्या होते हैं, नर जनन अंग क्या होते हैं, क्या देखने के लिए उसे नहीं, उसको समझिए कि अगर वो क्या है, क्या गंभीर बीमारियां हम लोग की लापरवाही से पैदा हो सकती हैं, इसमें किसी की जान जा सकती हैं और गैर संबंध बना के, तो ये सब हमारी बातें इसमें सोचने के लिए मिलती हैं। लेकिन इतना तो किसी बात पास टाइम तो है नहीं, लेकिन आप लोग टाइम निकालिए, सोचिए यदि आपके पास सब्जेक्ट में लिखा है तो उसको पढ़िए, उसको निगेटिव नहीं, कहीं ना कहीं आप पॉजिटिव वे मिले जाइए कि हमें पॉजिटिव में क्या करना है, तब सोचिए, देखिए आपको अच्छा लगेगा। सी है हमारा किशोरों वयस्कों को यौन संरचना कार्यक्रम व जनन स्वास्थ्य शिक्षा में शामिल किए, और इसको भी देखिए वही मैंने बताया कि जो किशोर और वयस्क हैं जैसे कि सबसे ज़्यादा लापरवाही होती है 13 से 18 साल की उम्र में, तो उनको भी इसमें हमारा जो यौन संरचना के तहत उसमें शामिल कर लिया गया। डी हमारा क्या हुआ, नेक्स्ट चौथा हमारा आया था समाज के सभी वर्गों में लैंगिक समानता है तो जागृत करना। लैंगिक समानता क्या होती है, जैसे कि लड़कों लड़कियों में भेदभाव करना, जाति जैसे SC ST और OBC जनरल में इत्यादि में जातिवाद पैदा करना, तो ये सब बातें हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं। और फिर हमारा क्या है, अंधविश्वासों कुरूतियों तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाकर उन्मूलन करना, जैसे कि हमारे अंधविश्वास जैसे क्या करते हैं, देखते हैं कि किसी को अगर कोई भी माँ है उसके बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं तो जा रहे हैं कि बाबाओं के पास झाड़ फूँक करवाते रहते, मान्यते मान लेते हैं, या फिर अन्य कुरूतियों की जैसे कि विज्ञान की कुरूतियों को जैसे कि अपनाकर अगर हम देखें कि जैसे कि मान लीजिए कोई अब उनको चाहिए लड़का, तो अब विज्ञान की कुरूतियों जैसे कि अब गए अल्ट्रासाउंड करवा के कहें कि लड़की है तो उसको वहीं पर भी उसको ख़राब कर दिया जाता है, उस भ्रूण को नष्ट कर दिया जाता है। तो ये सब हमारी क्या है कि गैर कानूनी जो ये सब चल रहा है इनके प्रति भी सरकार बहुत सारे कदम उठाई है और रोक भी रही है, तो ये सब हमारी आगे। फिर हमारी क्या है, जनता को जनसंख्या विस्फोट से जुड़ी समस्याओं को जानकारी देना कि जो जनसंख्या विस्फोट यानी कि जो देख रहे हैं कि अभी एक बाप के 5 बेटे, फिर उन पांचों बेटियों के 5-5 बेटे, फिर उनके 10-10 बेटे, तो ऐसे से देखिए जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है, तो इनके प्रति भी क्या हुआ कि जानकारी देकर और उनको इनके प्रति जागरूक करना ताकि ये ज़्यादा विस्फोट ना होने पाए और ये इसमें स्थिरता ला सके। क्योंकि आप जाहिर सी बात है अगर आपके पास थोड़ी सी ज़मीन है, अगर उसमें 10 लोग आसानी से रह रहे हैं, अगर उसमें 100 लोगों को रखा जाए क्या रह पाएंगे, नहीं, तो ये सब इनका मेन कारण यही था। फिर देखिए यौन अपराधों को रोकना, बाल टीकाकरण कार्यक्रम करना, भ्रूण रिंग परीक्षण वही तकनीकी जैसे उद्भेदन पर पूर्ण रोक लगा देना है, तो ये सब हमारे सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए थे जनन स्वास्थ्य एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल के लिए कार्यक्रम की, ये सब रणनीतियाँ थी।
अब हमारा अगला पॉइंट आ जाता है जनन व बाल स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम की कमियां। क्या क्या ऐसी कमियां थी जिसके कारण कहीं ना कहीं कमी आई? तो पहली हमारी कमी थी कि आर्थिक संसाधनों में कमी, आर्थिक संसाधनों में कमी, संसाधनों में कमी आई थी। दूसरी हमारी क्या थी? मानव संसाधनों, मानव संसाधनों की कमी आई। और सी हमारा क्या था? जनमानस, जनमानस तथा इस कार्यक्रम की पूर्ण पहुंच न होना इत्यादि आई। फिर हमारी क्या आई डी में अगर देखा जाए तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि भौतिकी व संरचनात्मक की कमी, ये सब हमारी थी। और क्या थी हमारी? जनमानस में जागरूकता की कमी, इसकी भी हमारी आई। चौथी हमारी क्या है इसमें? प्रसोत्तर देखरेख की अपर्याप्तता, यानी कि पर्याप्त देखभाल न करना था। क्या था हमारा? प्रसोत्तर देखरेख की अपर्याप्तता। ये सब हमारी जनन व बाल स्वास्थ्य देखभाल में कार्यक्रम में जो कमियां आई थी, यही कुछ न कुछ कहीं पर ड्रॉबैक हमारे सामने आए थे। पहला हमारा ये ड्रॉबैक था कि आर्थिक संसाधनों में कमी थी, कि आर्थिक संसाधन नहीं थे जिसके कारण क्या हो कि और उसको अच्छे से इम्प्रूव किया जाए। फिर क्या था? मानव संसाधनों में कमी आई थी, जनमान तथा इस कार्यक्रम में जो पूर्ण पहुँच न होना, इंफ्रास्ट्रक्चर जो भौतिकी और संरचनात्मक की हमारी कमी थी, और क्या था कि जनमानस में जागरूकता की कमी थी, और प्रश्नोत्तर देखरेख में अपर्याप्त अशिक्षा के कारण हमारी क्या थी, ये सब कमियाँ आई थी। अगर अगला पॉइंट देखें तो कहीं ना कहीं हमारी कमियाँ थी तो कहीं ना कहीं उपलब्धियाँ थी। तो अगला आप बना सकते हैं कि जनन व बाल स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम की उपलब्धियां, जनन व बाल स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम की उपलब्धियां, कौन कौन सी ऐसी उपलब्धियां थी कि जिसके कारण वो इन सभी पर अपना लक्ष्य प्राप्त कर पाएँ, ठीक है ना। यानी कि अचीवमेंट ऑफ RCH प्रोग्राम, तो देखा जाए तो पहले ये थी कि जो हमारी शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में कमी आई थी, ठीक है। पहली हमारी क्या थी? शिशु व मातृ मृत्यु दर में कमी आई थी। फिर हमारी क्या थी सेकंड पॉइंट में क्या थी कि लोगों ने छोटे परिवार को अपनाना प्रारंभ किया, लोगों ने छोटे परिवारों को अपनाना शुरू किया। अगली हमारी आई कि चिकित्सा सहायता प्राप्त प्रसवियों, जो प्रसव हैं उनकी संख्या में वृद्धि हुई, चिकित्सा सहायता प्राप्त प्रसवों की संख्या में वृद्धि ठीक है। और हमारा क्या था? जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई। और हमारे इससे क्या लक्ष्य प्राप्त हुई? इसमें ये लक्ष्य प्राप्त हुई मेरे प्यारे बच्चों कि जो जनसंख्या वृद्धि थी, क्या जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट आई। तो इत्यादि हमारे ये सब मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, ये सब हमारे थे।
और हमारी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां होती पढ़ाई को लेकर, तो उसको आप लोग बढ़ाइए, क्योंकि अगर आपको कुछ ना कुछ फ्यूचर में चल के लक्ष्य प्राप्त करना है तो अभी से उसको कोशिश करिए। और हमारा साथ हमेशा आपके साथ रहेगा, हमारा जो प्यार है और आप सभी का प्यार हमारे साथ रहेगा, और हमसे जुड़े रहें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों के पास ये शेयर करें, दोस्तों के पास, उन बच्चों के पास शेयर करें जो अपने मतलब कि वहाँ पे वो लोग फीस नहीं दे पा सकते, उन दोस्तों के पास करें और वो नोट्स बना के अपनी पढ़ाई कर सकें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।